यस हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस। साइंस में फर्स्ट चैप्टर अपने वापस रीडिंग किया था, रिवीजन किया था उसका। आज अपन उसका वापस रिवीजन होमवर्क में कर रहे हैं। अब अपन होमवर्क करेंगे। ओके, राइट ट्रू फॉर टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। जो ट्रू है सही, उस पर ट्रू करना है, लिखना है। फॉल्स उस पर एफ करना है। ओके, ये आपको सब वापस एक बार दोबारा देखिए करना। आपको वी शुड कीप आर सराउंडिंग्स क्लीन, इसमें अगर ट्रू, हमें अपने एरिया को क्लीन रखना चाहिए, सराउंडिंग्स चारों आसपास के एरिया को कैसे रखना, क्लीन रखना चाहिए, तो ट्रू आएगा। सब बच्चे ट्रू करेंगे। डर्टी सराउंडिंग्स कैन मेक अस फॉल इल, हमें आसपास का एरिया यदि गंदा हो तो क्या कर देगा, बीमार कर देगा। सही, बीमार करेगा, तो ट्रू, सही बात है, ट्रू लिखेंगे आप। ओके, थर्ड क्वेश्चन है वी शुड नेवर ग्रो ट्रीज, ये फॉल्स आएगा इसमें, क्योंकि हम ये कह रहे हैं हमें हमारे आसपास पास पेड़ पौधे नहीं उगाने चाहिए, क्या नहीं लगाने चाहिए, लगाने चाहिए पेड़ पौधे, तो क्यों नहीं लगाने चाहिए, फॉल्स है, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। फोर्थ है ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन टू द डस्टबिन, ये हमें ट्रू आएगा कि हमें डस्टबिन को में कचरा डालना चाहिए, ट्रू लिखेंगे। फिफ्थ नंबर पर है ट्रीज कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, ये भी ट्रू आएगा कि पेड़ है जो हमें फ्रेश, ताज़ी और शुद्ध हवा देते हैं, ट्रू करेंगे इसमें भी। ओके बच्चों, अब आप मैच करेंगे कोलम्बे को कोलम्बी से, एरिया अराउंड यू, इसको मैच करेंगे सराउंडिंग से, हमारे जो एरिया चारों ओर का एरिया उसको क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं। डर्टी सराउंडिंग्स इसको किससे मैच करेंगे आप, कैन मेक अस फॉल इल से, हमारे आस पास जो गंदा एरिया होगा तो हमें क्या कर देगा, बीमार कर देगा। इसको डर्टी सराउंडिंग्स को कैन मेक अस फॉल इल से मैच करेंगे, आसपास के एरिया में गंदा कर देगा। डस्टबिन, डस्टबिन को किससे मैच करेंगे, वेस्ट से मैच करेंगे, क्योंकि डस्टबिन में वेस्ट कचरा डालना चाहिए। ओके, इसको इससे मैच करेंगे। क्लीन एंड फ्रेश एयर, इसको ट्री से मैच करेंगे, जो साफ़ सुथरी ताज़ी, क्लीन एंड फ्रेश एयर, ताज़ी हवा और साफ़ सुथरा में पेड़ वो देते हैं, पेड़ से भी ताज़ी हवा मिलती है, स्वच्छ हवाई मिलती है, साफ़ सुथरा रहता है ना, इसको इससे मैच करेंगे। अभी कह रहा है वेरी शॉर्ट आंसर्स, थिंग्स यू सी अराउंड यू हाउस, इसमें कार और स्कूटर लिखेंगे आप, सी ए आर कार, एस सी डबल ओ टी ई आर स्कूटर, आप आपके घर के चारों आसपास क्या देखते हैं, है ना, तो कार स्कूटर देखते हैं वो लिखेंगे। सेकंड नंबर पे देखो थिंग्स यू सी अराउंड योर स्कूल, आप आपके स्कूल के आसपास क्या देखते हैं, टी आर डबल ई एस ट्रीज, पी ई ओ पी एल ई पीपल, ट्रीज और पीपल, आपके स्कूल के आसपास क्या देखते हैं, ट्रीज और पीपल देखते हैं, है ना। अब सी वाला शॉर्ट आंसर, इसका देखो व्हाट इज द एरिया अराउंड यू कॉल्ड, आपके आसपास के एरिया को क्या कहते हैं, एस यू डबल आर ओ यू एन डी आई एन जी एस सराउंडिंग्स, आपके आसपास के जो एरिया उसे क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स कहते हैं, या सराउंडिंग्स लिखेंगे आप। सब बच्चों को पहले एक बुक होमवर्क कॉपी में बुक में करना है, उसके बाद सारे पूरा होमवर्क आप एक्टिविटी सब कॉपी में करोगे। ओके बच्चों, पेज नंबर 14 पे सब बच्चे देख रहे हैं ना, शुड योर सराउंडिंग्स बी क्लीन और डर्टी, हमारे आसपास का एरिया आपको कैसे रखना चाहिए, हमें तो क्लीन रखना चाहिए ना, सी एल ई ए एन क्लीन लिखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड यू ग्रो मोर प्लांट्स एंड ट्रीज, इसमें आएगा फोर क्लीन एंड फ्रेश एयर, जब हमें पेड़ पौधे हैं वो प्लांट पेड़ पौधे और हमें क्या क्या देते हैं, फ्रेश ताज़ी हवा देते हैं, क्लीन एंड फ्रेश एयर, ताज़ी हवाएं देते हैं ना, ये आएगा इसमें। पेड़ पौधे में क्यों उगाते हैं, ताज़ी और फ्रेश हवा के लिए। ओके, अब लॉन्ग आंसर्स करेंगे, पहले अपन ने लॉन्ग आंसर्स नहीं किया था, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं किया, लेकिन अब अपन करेंगे, और ये आपको सबको कॉपी में भी करना है, पहले बुक में करेंगे फिर कॉपी में करेंगे। इनके सबके पीडीएफ में पहले भेज चुकी हूँ शॉर्ट की, अब मैं भेजूंगी लॉन्ग आंसर्स की पीडीएफ भेजूंगी, ये सब आप कॉपी में करेंगे, और वो वाला वापस उसमें पूरा ही एक्टिविटी क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लॉन्ग सब कॉपी में करना है आपको। ओके, लॉन्ग आंसर्स, वाई शुड यू कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, हमें मैं एरिया को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए, राइट एनी टू वेज इन विच योर कैन कीप अवर सराउंडिंग्स क्लीन, आप अपने एरिया को साफ़ सुथरा क्लीन क्यों रखते हो, उनके दो वेज बताओ जो आपने एरिया को साफ़ सुथरा क्लीन रख सकते हो। तो एक तो ये फोर स्टे हेल्थी, एफ ओ आर एस टी ए वाई स्टे एच ई ए एल टी एच वाई, फोर स्टे हेल्थी। वन नंबर पे लिखो बाय ग्रोविंग ट्रीज, पेड़ लगा के। दूसरा नंबर है ऑलवेज थ्रो वेस्ट इन टू द डस्टबिन, और
जो आसपास का कचरा वो डस्टबिन में डाल के। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी, तो क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग, हमें हेल्दी स्टे हेल्दी कौन रख सकता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या मदद करता है, तो क्लीन एंड ग्रीन सराउंडिंग, साफ सुथरा और हरा भरा आसपास का एरिया, ये हमारी मदद करता है। ये सब बच्चे कॉपी में करेंगे, ये आपको दिख रहा है, देखो अच्छे से देखो, ये पूरा ये कॉपी में करना है, इधर भी आ जाओ, ये भी देखिए आप, इस पूरी एक्टिविटीज सब आपको पूरी पूरी ये कॉपी में करनी। पहले मैंने आपको ये कॉपी में करने के लिए नहीं दिया था, मैंने केवल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए थे, बाकी एक्टिविटी नहीं थी, लॉन्ग आंसर कराए नहीं थे। अब मैं एक्टिविटी भी दे रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी सब कॉपी में करने के लिए रिविजन अलग दे रही हूँ मैं। ओके बाय, थैंक यू।